और उस संतों की और श्री जगन्नाथ जी की बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की कृपा की बल नहीं हो यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकते हैं और कोई जगन्नाथ की रथ यात्रा दर्शन कर नहीं सकते हैं। इसलिए आज हम सबको ऊपर में महाप्रभु की गुरु जी की बड़ी कृपा है। इसलिए ये जो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है ये ऐसे एक रथ यात्रा है जिसमें श्रीमन महाप्रभु दुनिया में बहुत यात्रा है लेकिन भगवान कोई यात्रा को स्वयं ठाकुर जी किसी यात्रा में योगदान दिया उत्सव को पालन करते हैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन केवल श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में ही भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में उन्होंने ये जगन्नाथ की रथ यात्रा को उन्होंने किया है। इसलिए कहते ये जगन्नाथ की रथ यात्रा पहले जब ये भी रथ यात्रा हुआ करता था लेकिन जिस भाव से लोग रथ यात्रा करते ना हमारे उड़ीसा में कहते हैं कि रथ यात्रा क्यों होता है कारण है साधारण रूप में कारण है क्योंकि जो छोटे जाति का लोग है उनको मंदिर के अंदर में प्रवेश वर्जित है। अभी ठाकुर तो अभी ये लोग दर्शन ही नहीं कर सकते फिर ये लोग दर्शन करेंगे कैसे। इसलिए ठाकुर जी एक बार साल में घर से बाहर निकलते हैं और निकल करके उन्होंने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। कहते ये एक साधारण कार्य है और जो पुराण में जो बताया कहते रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते मतलब अगर रथ ऊपर में एक बार श्री जगन्नाथ जी को कोई दर्शन कर ले कहते उसको जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए जब श्री जगन्नाथ जी को ले जाते हैं ना पकड़ करके बड़ी गाली गलौज करते हुए ले जाते हैं आप तो उड़िया भाषा नहीं समझोगे हम तो उड़ीसा के हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं जगन्नाथ जी को जब रथ यात्रा में ले जाते हैं ऐसे गंदी गंदी गाली निकालते हैं ऐसे गाली निकालते हुए उनको जगन्नाथ जी की रथ चलती है लेकिन उसकी असली तात्पर्य क्या है ये जो गाली है ना ये बड़ी प्यारी गाली है। देखना अगर पति कभी पत्नी को बोले तेरे लिए बढ़िया साड़ी ला दूंगा तेरे लिए ऐसे गहना ला दूंगा तेरे लिए ऐसे कपड़ा ला दूंगा अगर टाइम पर नहीं लाए ना पत्नी क्या कहती है हाँ कितने बढ़िया साड़ी पहना है हमने सब देखा है कितने आपने हमारे लिए गहना ले आए हमने देख लिया है हाँ रोज रोज हम गहना पहनते हैं रोज रोज बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनती लेकिन वो ऊपर में तो गाली लगती है लेकिन हृदय में बड़ा प्रेम है। कहते उसी तरह ये गोपियां जब श्री जगन्नाथ जी को ले जाते हैं गोपियां जब ले जाती हैं उसी समय में ये गोपियों की ये गाली है कृष्ण को गाली गलौज जो करते करते लेकिन गाली ऊपर से तो लगता है गाली लेकिन अंदर में बड़ी प्रेम की भावना है। इसलिए जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है भाई ये जगन्नाथ जी की जो ये स्वरूप है इसके तीन कारण बताए इसमें कुछ साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है। कहते इसमें साधारण कारण क्या है आप लोग सब कथा सुने होंगे इसके साधारण कारण है जिस समय श्री नील माधव जी को राजा दर्शन करने गए लेकिन इतने में नील माधव कहीं अंतर ध्यान हो गए बोले महाराज आपको इसी रूप में और दर्शन नहीं मिलेगा मैं स्वयं तारु ब्रह्म रूप में मैं बांके बिहानी मतलब यहीं पर है यहीं पर ही हाँ इसलिए ये चक्र तीर्थ और ये भी बांके मुहानी है यहीं पर सबसे पहले श्री जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म रूप में यहीं पर आए राजा उसको सोने की रथ बना करके उनको कैसे ले गए कैसे किसी तरह से जब ठाकुर जी नहीं बने स्वयं श्री बलदेव प्रभु स्वयं विश्वकर्मा कहते हैं अनंत महाराणा उड़िया में कहते अनंत अनंत कौन है भगवान को कौन धारण कर सकता कौन बना सकता है अनंत देव ही धारण कर सकते हैं वो एक महाराणा मतलब जो कारपेंटर होते हैं उसी रूप में आए बोले देखो मैं 21 दिन में ये विग्रह को बना दूंगा लेकिन उसको पहले खोलना नहीं दरवाजा बंद करके रखना लेकिन 14 दिन तक तो आवाज थोड़ी थोड़ी आई बनाने का लेकिन उसको बाद में आवाज खत्म। रानी तो बड़ी चिंता में पड़ी गई महाराज को बोले लगता है वैसे तो दुबले पतले थे हैं और बूढ़े थे हो ना हो अंदर में तो शरीर नहीं त्याग दे दिया अगर त्याग दे दिया ना वो तो ब्राह्मण थे
हो ना हो हमें ब्रह्म हत्या की पाप नहीं लग जाए, इसलिए दरवाजा खोलो। आपको पता है स्त्री हट क्या होता है, संसार कर रहे हैं ना, पत्नी अगर पति को पीछे पड़ गई, हमें ये चीज देना है, जब तक नहीं देगी ना मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, इसलिए अभी बोले खोलो इसको, अभी इसको खोलो। अभी राजा जब खोले है ना, ठाकुर जी ऐसे ही हाथ है, हाँ उनके प्यार नहीं, और बड़ा उनकी अद्भुत रूप उनको मिला। राजा ने सोचे मेरे गड़बड़ी हो गया, बोले थे 21 दिन पहले उसको खोलना नहीं, हमने अपराध किए। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ करके लेट गए चरण में। जगन्नाथ जी बोले देखो मेरे यह रूप नित्य रूप है, इसी रूप में ही मेरे को प्रकट होने का था, लेकिन तुम लोगों ने कुछ इसमें निमित्त बना, लेकिन यही मेरी नित्य रूप है। अगर मेरे रूप दर्शन करने का इच्छा है ना, तुम लोग सोने में बना। इसलिए राजा सोने में, जब कृष्ण का जन्म उत्सव हो, कृष्ण बलद कृष्ण को कृष्ण रूप में सजाया जाता है, हैं? और इसी बलदेव प्रभु को बलदेव रूप में, हाथ में बंसुरी सर पर मुकुट कृष्ण को देते हैं, और जो राम राम का जन्म उत्सव होता है सारे सोने में, सुभद्रा को जानकी के रूप में, बलदेव प्रभु को लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण को श्री राम रूप में, बड़े बड़े धनुष उनको सजाया जाता है। जब वामन अवतार नरसिंह अवतार आए, सब सोने में बना हुआ, सारी जगन्नाथ जी को ये सब ड्रेस में जगन्नाथ जी को श्रृंगार की जाती है। कहते ये एक साधारण कारण है जगन्नाथ जी क्यों प्रकट हुए। दूसरा जो कारण है, गुरुदेव ने रथ यात्रा में उन्होंने जो गुरुदेव ने जो बताए कैसे द्वारका में कृष्ण रहते थे 16108 पटरानियों को साथ में, लेकिन सोते थे तो रानियों को साथ में, लेकिन रोते थे ब्रजवासियों के, रात भर इतने रोते थे, हे राधिके हे ललिते हे विशाखे तुम कहाँ हो, इतने रोते थे, रो रो कर आंखों का आंसुओं से तकिया तकिया गीला कर देते थे। ठाकुर जी बोले भैया हम लोग एक से एक सुंदरी और एक से एक राज घराने की हम लोग ने, सारे विद्याओं में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन पता नहीं ये ग्वालियों ने क्या जादू टोना कृष्ण को ऊपर चलाया, सोते हैं हमारा पास में और रोते हैं ब्रजवासियों के लिए। बोले ब्रज में क्या लीला करते थे, बोले ये लीला को कौन देखा है, बोले श्री रोहिणी देखी है, वही तो रोहिणी माता ही वहां पर थी। एक दिन रोहिणी को बोले हम कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण क्यों इतना रोते हैं, ब्रज की क्या महत्व है। बोले देखो अगर कृष्ण ये कथा सुनेंगे तो फिर रहेंगे नहीं, मंदिर छोड़कर चले जाएंगे तुमको। बोले फिर क्या करें, बोले अंदर महल में हम बैठ कर कथा सुनते हैं, सुभद्रा को वहीं पर चौकीदार रूप में रख लेते हैं, अगर कृष्ण बलराम आए ना उनको घुसने मत दिया करना। जब वहां पर उन्होंने कृष्ण कथा के सुर की, ब्रज की अद्भुत अद्भुत लीला की उन्होंने बात बताई, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारी थी, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके कैसे सुंदर रास लीला है, कृष्ण कैसे भगवान होकर के भक्तों के प्रेम में बसीभूत कैसे हो जाते हैं, मक्खन कैसे चोरी करते हैं, मैया अगर पूछे लाला तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते हैं, मैया मेरे को मारे नहीं, क्या बोलती हैं, बोले मैया मेरी मैंने ही मक्खन खायो भोर भयो गई अन को पाछे माधुबन मो ए पठायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मक्खन। इसलिए भगवान कैसे डर से मैया से कैसे डरते हुए झूठ बोल देते हैं, कैसे उखल में बंध जाते हैं, लेकिन कृष्णा जब बंसुरी बंसी ध्वनि करते हैं, बोले त्रिजगत मानस आकर्षि मुरली तल गुंजित, जिस बंसी ध्वनि सुन करके सारे कहते त्रिमृषा जहां पर जमुना उल्टी बहने लग जाती है, आकाश से मेघ आकर छा जाती है, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है, कई आप घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता है। इसलिए बंसी ध्वनि सुन करके सारा दुनिया उथल पुथल हो जाते हैं। जब उन्होंने सुंदर सुंदर कृष्ण की प्रेम माधुर्य रूप माधुर्य और उनके लीला माधुर्य की कथा सुनाए ना, अभी कृष्ण तो समझ गए
भैया तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुना रही हैं और हमारी ब्रज की सुंदर कथा सुना रही हैं। अभी कृष्ण बहाना बना, कृष्ण देखो, यद्यपि कृष्ण कथा सबको अच्छी लगती है, आपको पता है सबसे सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगती है कृष्ण कथा? बोलो, कौन बोलेगा? हाथ उठा, हाथ क्यों उठा लिया? कृष्ण कथा सबसे ज्यादा प्यारी किसको लगती है, अच्छी किसको लगती है? किसको? जोर से बोलो। हाँ, राधा, राधा जी बोले, राधा जी को। हाँ, ये भी सही है, राधा जी का भी है, कृष्ण जी का भी है। हाँ, इसलिए कहते कृष्ण कथा इतना मीठा है ना, कृष्ण कथा इतनी मीठा, इतने मधुर कृष्ण कथा। हाँ, कृष्ण कथा इतने मीठा, इतने मधुर कृष्ण कथा है। चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों आए? इसलिए आए, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, जो माधुर्य को ये भक्त लोग आस्वादन करते हैं। पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। अरे जोर से बोलो। कुछ कुछ भक्त सो रहे हैं, लगता है जल्दी जल्दी उठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जय जगन्नाथ देव की। इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण को जितनी अच्छी लगती है ना, दुनिया में और किसी को इतना अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो महाप्रभु रूप में आए कि राधा रानी कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करती है, इसलिए श्री महाप्रभु रूप में आए। अभी कृष्ण अभी अपना कथा सुनने के लिए कृष्ण दाऊ भैया को बोले, दाऊ भैया अभी अभी मैं आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठे रहो। और आए और अंदर में जाना चाह रहे हैं। सुभद्रा बोले नहीं, मैया ने मना की अंदर में जाने के लिए। इतने में सुभद्रा ने बाम हाथों से उन्होंने बलदेव प्रभु को रोक, कृष्ण को रोक दिए। और कृष्ण ने क्या किया, वहीं पर अपना कान लगा दिया। और कृष्ण कृष्ण कथा सुनते 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 स्वयं अपना प्रेम में द्रवीभूत हो गए। अभी बलदेव प्रभु ने देखा कन्हैया तक गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी बलदेव प्रभु भी आए और आ करके वो भी अंदर में कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन श्री सुभद्रा देवी उनको सीधा हाथ से बोले, भैया मैया ने मना की, अंदर में नहीं जा सकते हो, यहीं पर रुको। वो भी वहीं पर कान लगा दिए कथा सुनने के लिए। कथा सुनते 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 वो भी द्रवीभूत हो गए। और बीच में सुभद्रा थी, दोनों भैया की अवस्था देख करके और स्वयं भी कृष्ण कथा सुनते 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 वो भी द्रवीभूत होकर के श्री सुभद्रा देवी रूप में प्रकट हो गए। उनकी जो सुदर्शन चक्र था वो भी द्रवीभूत होकर के वो भी है के लकड़ी जैसे बन गया। अद्भुत ये रूप है। इतने में श्री नारद जी बस बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अभी कीर्तन सुनते 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 भगवान पुनः अपना पूर्व स्थिति में आए। आज कृष्ण इतने प्रसन्न हैं। बोले बड़े दिनों में हमने ब्रजवासियों की कथा और हमने ब्रज की कथा सुनी, आज इतने प्रसन्न हुए। बोले नारद जी जो कुछ बर मांगना मांगो, जो मांगोगे ना हम सब कुछ देने के लिए तैयार आ रही हूँ। बोले प्रभु अगर बर देना चाहते हो, हमने तो अब की बहुत लीला देखी है, हरी अनंत हरी कथा अनंत, हमने अनंत कथा अनंत लीला सुनी, लेकिन आपका आज जो ये रूप है, ये रूप हमने कभी नहीं देखा। ये रूप तो आपका साक्षात प्रेम स्वरूप का आपका रूप है, हैं? प्रेम अपना प्रेम में स्वयं आप
द्रवीभूत हुए हो, ये रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप इसी रूप में से जगन्नाथ पुरी में आपकी पूजा हो, प्रसाद पाए, आपकी सेवा हो। अगर इसी रूप के एक बार कोई आकर के दर्शन करे और आपका प्रसाद को ग्रहण करे, जैसे पुनः इस संसार में वो जीव पुनः नहीं आए, आपके धाम को प्राप्त करे, अब हमें ये वरदान दो। भगवान खुश थे, बोले तथास्तु, ऐसे ही होगा। इसलिए जो एक बार जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, हैं, इनकी प्रसाद पाते हैं। कल प्रसाद पाए थे कि नहीं जगन्नाथ जी के? कौन कौन पाए हो? हाँ, इसलिए बड़े भाग्य से जगन्नाथ जी प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। कल हम लोग जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए गए थे, वहाँ बैठे हुए महाप्रभु जहाँ पर चरण चिन्ह है, एक व्यक्ति इतना बड़ा मजीरा ला कर धाम धाम बजा रहा था। ऐसे ऐसे जानते हो क्यों बजा रहे थे? कारण क्या? बोले कारण है, जितने 33 करोड़ जितने देवता सब भगवान की प्रसाद की लोभ से सबके सब आकर के बैठे हुए। जब जगन्नाथ जी की भोग लग जाता है, वो लेकर के जोर जोर करके चारी तरफ में बजा बजा करके बोले भैया ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, सबके सब आ जाओ, प्रसाद मिलेगा। इसलिए नारद जी को एक ईर्ष्या मिला, नारद जी पागल हो गए। शंकर जी को मिला, वो भी पागल हो गए। लेकिन माँ देवी को मिली नहीं, तो देवी ने केवल जगन्नाथ की प्रसाद के लोभ से उसने कैलाश को त्याग दे दिया। और कहाँ पर आ गई? तो जगन्नाथ पुरी में आ गई और बैठ करके प्रसाद के लोभ से बैठ हुई। इतने प्रसाद के लोभ है, कहती है दूसरा कारण जगन्नाथ क्यों प्रकट हुए। इसका जो तीसरा कारण है ना, गुरुदेव बड़े भावुक बन गए जब उन्होंने ये कथा को सुनी। हाँ, ये कथा को जो तीसरी कारण की जो कथा थी, उसमें ये कथा थी, एक समय कृष्ण ब्रज की कथा सुनते 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 ब्रज की गोपियों की, राधा जी की, भक्तों की लीलाओं का स्मरण करते करते एक बार कृष्ण स्वयं बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, इतने में से नारद जी आए। अब लोग कोई कथा सुन रहे कि नहीं? ये कथा के बाद में मैं पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया, जो नहीं बोल पाएगा ना फिर उनको खड़े कर दूंगा बीच में, ठीक है? इसलिए सबके लिए प्रसाद देना पड़ेगा। हाँ, सभी के लिए। माधव महाराज जी बोल रहे, जो बोल नहीं पाएगा ना उसको दंड मिलेगा। जैसे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे थे, जो सही साफ नहीं कर रहा था बोले दंड मिलेगा। बोले क्या दंड? बोले सब भक्तों को प्रसाद मिला। भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है। दंड मतलब ठाकुर जी की प्रसाद है। इसलिए ठीक है, ध्यान करते हुए सुनो और ये कथा सुनकर घर में भी सुनाना। और जब अगली बार आयो ना, गुरुजी बोलते थे कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के आओ। गुरुजी की ये स्वयं बोली हुई है, लेकिन 10-10 भक्तों को लाओगे कब? जब कथा सुनाओगे ना। अगली बार कौन 10-10 भक्तों को लेकर के आएगा? हाथ उठाओ तो देखो, कोई डर से हाथ नहीं उठा रहे, मतलब कोई कथा ही नहीं सुन रहे। 10 भक्त तभी लाओगे जब कथा सुनाओगे ना। हाँ, मतलब अभी से जाकर के 10 भक्तों का तैयारी करना है, अगली बार रथ यात्रा में आपको जाना। कौन कौन लाए हाथ उठाओ? अरे इच्छा करोगे तभी तो सुनाओगे ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहते कृष्णा बेहोश हो गए। जब कृष्णा बेहोश हो गए, नारद जी आए। नारद जी को बोले, नारद जी आप थोड़ी सी ब्रज की कीर्तन सुनाओ, भगवान को होश आएगा। बोले देखो बड़ा अनर्थ हो जाएगा फिर। बोले क्या? बोले कृष्णा भी ब्रज की चिंतन करते करते, ब्रज वासियों के चिंतन करते करते बेहोश हुए। अगर कृष्ण की होश आएगी तो फिर कृष्ण रहने वाले नहीं, कृष्ण फिर आपको द्वारका छोड़ करके ब्रज में चले जाएंगे। ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध प्रेम। बोले भैया क्या किया जाए? बोले एक काम किया जाए, श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजो। भेज करके वहां पर बोले कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण को लेकर के जाएंगे और कुछ दिन घुमा फिरा करके ना फिर उनको द्वारका ले आएंगे। बोले उद्धव जी एक काम करो, जाओ ब्रज में जा करके बोलो कृष्ण आने वाले। बोले भैया मैं एकदम नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण मेरे को एक बार दूत रूप में भेजे थे और मैंने ब्रजवासियों को कृष्ण विरह में उनकी क्या दशा मैंने स्वयं देखा आंखों से। कृष्ण जब से आए तब से बछड़े दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, कोयल कुहूकती नहीं और मयूर केका नहीं करते, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, गोपियां तब से कपड़ा नहीं बदली वहीं पर पड़ी हुई, राधा रानी तो कमल फूल गोबर में लेट हुई, उनको शरीर में कर्पूर अगुर चंदन की लेप देते हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण विरह में श्री राधा रानी पड़ी हुई
एक मिनट में उनकी जो अगुर चंदन कर्पूर सबके सब चुर चुर हो जा रहा है। हमने इन्हीं दशाओं को देखा अपना आंखों से, और मैंने बोल करके आया कृष्ण को मैं जरूर ले करके आऊंगा। लेकिन ये कृष्ण को जब मैं बोलता हूँ ना, पता नहीं थोड़ी समय के लिए तो आंसू बहाता है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं तो थक गया, अगर फिर दो बार जाऊंगा ना, बोलेगा वही झूठा फिर आ गया, पहले तो बोल कर गया था लेकर के आएगा, अभी तक तो लाए नहीं पाया, फिर दोबारा ये झूठा है। बोले एक काम कर, ताऊ भैया को भेजो। ताऊ भैया बोले भैया मैं भी एकदम नहीं जाऊंगा। बोले मेरे भी यही स्थिति है, मैं भी ब्रज में गया था और उनकी सबको मैंने कोशिश की सांत्वना देने के लिए, थोड़ी बहुत दिया, अपना गोपियों के साथ में मैंने रास भी रचाया, लेकिन जो कृष्ण की जो गोपियां हैं उनको मैं किसी तरह से सांत्वना नहीं दे पाया। वो कृष्ण ही उनको सांत्वना, कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर दो बार जाऊंगा ना, मैं भी बोल गया लाया उसको लाऊंगा, लेकिन फिर बोलेगा तो बोलेगा देखो वही झूठा फिर आ गया, फिर झूठ बोलने के लिए। अभी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। इतने में सुभद्रा देवी जो इनकी बहन थी वो जाने के लिए तैयार है। बोले देखो मैं स्त्री है ना, स्त्रियां क्या करती हैं, आप स्त्रियों के अंदर में आसानी से घुस जाती हैं, उनको साथ में बात कर लेती हैं, इसलिए मैं स्त्री हूँ इसलिए आसानी से उनके अंदर में प्रवेश कर जाऊंगा, जा करके मैं बहन हूँ ना सबके हैं, सांत्वना दे करके मैं बताऊंगी जय कृष्ण जल्दी जल्दी आने वाले हैं, अरे मेरे बात को सबके सब विश्वास करेंगे, इसलिए मैं चलूंगी। ताऊ भैया बोले भैया हम अकेले बहन को कैसे भेज दे, हैं पहले तो ऐसे कोई था नहीं, पहले माताओं को कोई भी अकेले कोई नहीं भेजती थी, बेटी जाए तो पिताजी को साथ में, पत्नी जाए तो अकेली पत्नी नहीं पति को साथ में, पहले अकेले किसको कोई नहीं किसको नहीं भेजती थी, सबके सब उनको साथ में, परिवार के कोई व्यक्ति उनको साथ में जाते थे। बोले अकेले बहन को हम कैसे भेजते। ताऊ भैया बोले एक काम करो, मैं चलती हूँ बहन को साथ में, बहन को अकेले कैसे भेज दे। बोले एक काम करो तीन रथ बनाओ। कितना रथ बनाए, जोर से बोलो, सब सो रहे हैं, तीन रथ बनाए बलदेव प्रभु का, सुभद्रा देवी की और श्री कृष्ण के लिए तीन रथ बनाए। बोले हम तीनों एक साथ में चलेंगे और फिर हमको समझा करके ना वापस जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अभी उन्होंने तीन रथ बनाया, कल देखा था तीन रथ की नहीं, किसने किसने देखा, हाँ वहां पर तीन रथ बनाई गई। अभी श्री नारद जी यहाँ पर बड़े सुंदर, उन्होंने भगवान की ब्रज की उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने भजन गाए। क्या भजन गाए, बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ सभी सभी से बोलो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन, जय जामन किरवन सारी, जय कुंज बिहारी, जय जामन किरवन सारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। अभी ये ब्रज की कीर्तन सुनते सुनते अभी धीरे 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 जगन्नाथ जी का होश आया, और जगन्नाथ जी की होश आते ही
जगन्नाथ जी वृंदावन के तरफ में दौड़ पड़ी। जब दौड़ पड़े इतने में बलदेव प्रभु सुभद्रा वसुदेव महाराज बोले कन्हैया हमें ये पता था तू वृंदावन के लिए दौड़ो, अभी चिंता मत कर तू अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ में हम भाई बहन भी जाएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए अभी जगन्नाथ जी अभी धीरे धीरे मंदिर से अभी निकल रहे हैं, रथ के लिए निकल रहे हैं। आप कभी देखे हो जगन्नाथ जी कैसे चलते हैं? अब देखना कैसे, हाँ कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, जैसे एक व्यक्ति शराब पीने पर देखना जैसे कि शराब ही चलता है ना, लुढ़कते लुढ़कते, उसी तरह जगन्नाथ जी ऐसे चलते। बोले क्यों? कारण है वो शराब तो पिए हैं, संसार का रात को शराब पियो ना सवेरे उसका नशा उतर जाती है, लेकिन भक्ति रूपी शराब जो पिए इसका नशा कभी उतरती नहीं, वो इसकी नशा धीरे 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 नशा इसकी बढ़ती जाती है। और ब्रजवासियों को प्रेम में कृष्ण स्वयं झूमते 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 झूमते, अगर देखोगे ना, हाँ अगर टीवी अगर होगा तो देख लेना, इसमें कैसे जगन्नाथ जी एक जगह पर खड़े हुए ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे उसे वहां से खिसक नहीं पा रहे, क्योंकि अपना इच्छा से चलते हैं ठाकुर जी, उनको कोई नहीं ले सकते हैं। इसलिए झूलते झूमते 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 जगन्नाथ जी रथ ऊपर बैठते हैं, जा करके पहले सुदर्शन, क्योंकि उसका नाम है सुदर्शन, उत्तम दर्शन है, इसलिए पहले वो चलते हैं। उसके बाद में श्री बलदेव प्रभु बड़े भैया, फिर बीच में सुभद्रा, बाद में श्री जगन्नाथ जी चलते हैं। अभी चलते चलते जब आ रहे थे ना, उधर ब्रज में किया हुआ श्री राधा रानी कृष्ण विरह में व्याकुल हो रही है। बोले कृष्ण बोल कर गए थे मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों में चलाऊंगा, लेकिन ये परसों बोल करके परसों बीत गया, अभी तक भी कृष्ण का कोई पता ही नहीं, ला पता नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है ललिता हे विशाखे मैं आज ही ये प्राण को त्याग दे रही हूँ, लेकिन एक काम करियो, मैं चाहता हूँ मरने का बाद में भी मेरे शरीर कम से कम कृष्ण सेवा में लग जाए, मेरे शरीर में जो मिट्टी है ना कृष्ण जहाँ पर लीला करते हैं वहीं पर छोड़ देना, कृष्ण लीला करते समय उनके चरण स्पर्श प्राप्त करूंगी, मेरे शरीर में जो हवा है जहाँ पर कृष्ण विहार करते हैं वहीं पर छोड़ देंगे, तो जैसे पंखा झुलाते है ना ऐसे कृष्ण को शरीर में पंखा झुला रूप में उनको सेवा करूंगी, जहाँ पर कृष्ण जल विहार करते हैं शरीर में जो पानी है वो पानी को उसी तालाब में छोड़ देना, कृष्ण जब उसमें जल विहार करेंगे कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूंगी, मेरे शरीर में जो अग्नि है सूर्य का किरण में मिला देना, कम से कम कृष्ण का शरीर में ताप दूंगी। इसलिए मेरे जो शरीर पांच हिस्से बनी हुई मैं चाहते हूँ अंतिम को शरीर छोड़ने का बाद में भी ये पंच रूप में मैं कृष्ण को जैसे मैं सेवा में लग जाऊं, इसलिए मैं प्राण त्याग कर रही। राधा रानी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, इतने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे इतने में ललिता विशाखा बोली हे राधे तू शरीर छोड़ मत, श्याम सुंदर आ गए। बोले श्याम सुंदर आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कहाँ है? इतने में श्याम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंचे, और कृष्ण जब राधा रानी की ये दिव्य उन्माद चित्र जल्प संजल्प अभिजल्प विजल्प उसको जो दस दशा बताए, राधा रानी के शरीर में ये सारे दिव्य सबके सब चिन्ह दिख रहा था। अभी राधा रानी की ये विरह को देख करके ना कृष्ण स्वयं राधा जी के दर्शन करते 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 कृष्ण स्वयं ये जगन्नाथ जी बने। ये जो जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े आग हाथ प्यारे, बलदेव प्रभु भी दर्शन करते करते वो भी ऐसे हो गए, और सुभद्रा देवी भी ऐसे सबके सब ऐसे रूप बन गए, हैं सारे को सारे ऐसे विचित्र रूप धारण किए। जब विचित्र रूप धारण किए इतने में राधा रानी सखियों से कह रही हैं, बोले सखियां पहले कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो उसको बाद में मेरे को देखना, क्यों? कृष्ण मेरे विरह में देखो क्या अद्भुत रूप कृष्ण ने धारण किया है। वहां पर भी श्री नारद जी आते हैं, वीणा बजाते हैं, फिर उनके पूर्व होश आता है, उसको बाद में फिर यही वर मांगते हैं आप श्री जगन्नाथपुरी में इसी स्वरूप को लेकर के आपके दर्शन मिले, पूजा मिले आपको। इसलिए जो दर्शन करेगा जैसे जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के आपके चरण की सेवा और आपकी भक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए ये जो जगन्नाथ जी की जो रूप है ये अद्भुत रूप है,
इसलिए आज हम लोग सबके सब श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में देखो आज थोड़ा हम लोग 1 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे, 1 बजे ना यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए कोई देर नहीं करना, कोशिश करके जैसे 12 बजे प्रसाद शुरू हो जाए और प्रसाद 12 बजे शुरू हो जाए उसके बाद में फिर आप लोग सब तैयार रहेगा, प्रसाद पा करके 1 बजे निकल जाएंगे हम लोग, कीर्तन करते करते वहां पर जाएंगे और जगन्नाथ जी। और एक बात सुनो, रथ को जितने माताएं कोशिश नहीं करना जगन्नाथ जी के रथ की जो रस्सी है उसको स्पर्श करने के लिए, क्योंकि इतना भीड़ है, हम जैसे व्यक्ति खींचने का बात तो दूर रह जाए, हम छू भी नहीं सकते रस्सी को, इतने वहां पर भीड़ इतना होती है और बच्चे सब बूट बूट पहन करके यंग यंग बच्चे सब रथ खींचते हैं। आप लोग दूर से महाप्रभु का भावना जो थी राधा रानी को, कृष्ण को, जैसे राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके ये ले जा रहे हैं द्वारका से, ये वृंदावन ले जा रहे हैं, इसलिए महाप्रभु इसी भाव से राधा रानी की भाव से अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके उनको द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं, ये रथ की भावना है। आप लोग भी इसी भाव से कीर्तन को साथ में रहना, कीर्तन करते रहना और इसी भाव से सबके सब वैष्णव को साथ में कीर्तन करते करते जाना, ठीक है। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, देखो आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर फैनी आई थी, फैनी ना क्या बोलते फैनी आई थी, हाँ जो फन दिखाता है, और फैनी आई थी और यहाँ पर हमारे जो ऊपर का जो छात है उसको उड़ा करके ले गया, बहुत सारे यहाँ पर जो सब शीशा इसको भी तोड़ दिए, बड़े तसनस करके यहाँ पर गई है और हमारे जो मंदिर पूरा समुद्र को सामने ये मंदिर बड़े तसनस करके गई है, हाँ बड़े उथल पुथल पुथल मचा करके गई, यहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, हाँ कुछ भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह से इसको, हाँ उस किसी तरह से उनको थोड़ी बहुत सही किए जैसे ये परिक्रमा कैसे चल सके, किसी तरह से कोशिश की। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है जितना हो सके आप लोग थोड़ी बहुत सेवा करके जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ सेवा करके जाना। अगर आपके पास अभी भी पैसा अगर नहीं है, यहाँ की जो नंबर है बस अकाउंट का जो नंबर है अगर आप ले जाओगे, अगर आप कुछ भेजोगे तो कोशिश करेंगे जैसे हाँ पुनः ये मंदिर जैसे मंदिर बन जाए, गुरुदेव यहीं पर शरीर यहीं पर अंतिम लीला उन्होंने प्रकाश किया था, इसलिए आप लोग जितना दूर हो सके आप लोग कोशिश करना सेवा करने के लिए, ठीक है। अभी श्री माधव महाराज जी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे श्री हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील माधव महाराज जी। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्रीधर महाराज से सुना, पता है धन्नो कोली तेरी तमाशा दुख लगे और हंसी, देखो तो खुद सब बोल करके मेरे लिए बोला माधव भाई अच्छा सुनाएंगे, सब तो सुना दिया, मेरे को छोड़ा ही नहीं, मैं सोचा दो बोलेंगे गुरु जी के किताब से, आखिर वाला मैं बोलूंगा, अभी पूरा कर लिया, फिर वहां जहां जहां कुछ छोड़ दिया उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ। हरियाणा का हरी कथा आनंद है, और महाराज जी गुरु जी को साथ में रहे और जितना सारा रस इनके हृदय में, अभी तो महाराज जी नया रस प्रदान कर, इनका नाम ही माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब आश्रय, माँ मतलब मूल लक्ष्मी कौन, श्री राधा रानी। अभी राधा रानी का हृदय क्या है बताओ, पूरा कृष्ण प्रेम में लोत पलोत, कृष्ण प्रेम में भरा पड़ा हुआ, अभी आपको पूरा राधा रानी, राधा शब्द को बदलाव तो क्या होगा बोलो, राधा शब्द को उल्टा तो क्या होगा, हाँ ये कृष्ण भक्ति की धारा है, अभी महाराज जी कृष्ण भक्ति की धारा आपको बहाएंगे, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, बह करके बह करके समुद्र में मत चले जाए। देखो जब महाराज जी बोलने लगे मैं कुछ तो बोला नहीं, देखो मैं शुरू किया मैं माइक खींच रहे, देखो तो महाराज जी बता रहे थे कि एक है पत्नी हट, ये पत्नी हट कहो और प्रेयसी हट कहो, तो इसमें जैसे हम लोग इस संप्रदाय में, हमारा संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय,
ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं, आंखें कितने हैं? आठ, आठ आंखों से आठ दिशाओं को देखते हैं। हम उसी संप्रदाय में आने के नाते दो आंख में आठ आंख की शक्ति है। जब महाराज जी बता रहे थे, एक भक्त मुख बंद करके हंस गए थे, सदगुरु प्रेसी भक्त याद आ गया होगा, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, चालू पे रख, सभी हंस रहे थे, महाराज जी बोल रहे थे। अब आते हैं, एक है बाल हॉट, एक राज हॉट, एक प्रेसी हॉट, एक भक्तों का हॉट है, तो मैं जोगी हॉट, तो मैं एक भक्त का हॉट सुनाता हूँ। आप लोग नारद ऋषि को जानते हैं, नारद ऋषि का बहुत कथा सुनाया। नारद ऋषि का चरित्र क्या है? बोलते हैं, नाम टी अमर नारद ऋषि बाधाई सुधु झगड़ा, ताते अमर आनंद जी मजा देखो तुमरा तुमरा तुमरा। बोले ऋषिवर आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारद ऋषि है। आप करते क्या है? मैं दूसरे से लड़ाई कराता हूँ। किससे? बाप बेटा से, बाप बेटी से, माँ बेटा से, माँ बेटी से, राजा राजा से, मित्र मित्र, विशेष करके प्रियतम प्रियतमा में या पति पत्नी लड़ाई करके मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैं क्या करूं? तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तुम थोड़ा मजा देख लेना। अब नारद जी क्या मजा दिखाया थोड़ा सुनाता हूँ। ये यदि किसी का आप वीक पॉइंट जानते हैं, आपको अच्छी तरह से उनको दबा सकते हैं। बच्चे लोग जानते हैं और माँ बाप का वीक पॉइंट क्या है, मुझे प्यार करते हैं। बच्चे क्या बालहट करते हैं। गुरु जी उदाहरण देते थे, एक छोटा बच्चा है, उसका आइसक्रीम या ठंडा चीज खा पी करके दांत खराब हो गया। डॉक्टर देखकर ठंडा चीज आइसक्रीम नहीं देना है। आइसक्रीम वाला आ गया, घंटा बजा रहा है, बोलते मम्मी मैं आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए। बोले नहीं बेटा, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, और दूसरे चीज दे रहा, फेंक रहा है। मम्मी आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम। तो क्या किया मम्मी ने? पापा के जेब से पैसा निकाला, ले जा, तू अकाल में बुढ़ा हो जाके पैसा देके आइसक्रीम खा, माँ बाप को दिखा दिखा के खा रहा है। वो जानते हैं कि माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, ये उनका दोस्त नहीं, सबसे बड़ा गुण है। ऐसे ही भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भक्त वत्सल। नारद ऋषि बहुत बड़े भक्त हैं। नारद ऋषि का अभिशाप था, वो जगत में एक गौ को दहन करने जितने समय उतने देर तक ठहर सकते हैं। क्यों? दक्ष प्रजापति के एक बार 10,000 और एक बार 1,000, 11,000 पुत्रों को ये भक्त बना दिया था। इसलिए दक्ष अभिशाप दिया, कहीं भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते हो, किसके ऐसे भक्त बना नहीं सकते। बहुत अच्छा। बोले एक जगह बंधा हुआ था, अब पूरा जगत में घूम घूम करके प्रभु का बात प्रचार करूंगा, अधिक भक्त बनाऊंगा। बीच बीच में चले जा रहे द्वारका में। क्यों? हमारे परम गुरुदेव श्रीलोक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अधिकांश समय श्लोक उच्चारण करते थे। गोविंद भुज गुप्तायां दरावत्त कुरुद्वह अवासित नारद अभिक्ष्णम कृष्ण दर्शन लालस। ये द्वारका धाम ये कृष्ण के भुजाओं के द्वारा परिरक्षित होने के कारण ये दक्ष प्रजापति का अभिशाप उधर प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए जाके उधर रहते थे। एक दिन हुआ क्या, कृष्ण सदगढ़ से एक पारिजात फूल लाए, और नारीजात नारद का एनर्जेटिक है, प्रॉब्लम मेकर पर्सन, जो समस्या सृष्टि करने वाले हैं। कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे, बाई में बाम भाग में थी रुक्मिणी और सब रानियां बैठी थी, आगे कृष्ण का हाथ में दे दिया। सोचते क्या बात है, ये खुराबती ये क्यों फूल ले आया? बोले प्रभु ये फूल का नाम पारिजात है, जगत की और भी किसी का कोई फूल का नाम हो बहुत अच्छा अच्छा नाम है, लेकिन ये नाम किसी का नहीं है, इतने सुंदर नाम। केवल नाम ही नहीं है, इसका गुण भी बहुत है। ईश्वर समझ गए कुछ खुराफत करके ही छोड़ेगा आज। तो प्रभु इसका जो सुगंध कभी घटेगा नहीं, ये कभी सूखेगा मुरझाएगा नहीं, प्रभु
आपको सबसे प्यारी है ना, उसको दे दीजिए। अब तो नारद कृष्ण सिर खुजला रहे, भगवान ही आया क्यों इस समय? बोले प्रभु मेरा और काम है, थोड़ा जाना है, दे दीजिए ना मेरा सामने। कृष्ण मन मन चिंता कर रहे हैं। कृष्ण का एक स्वभाव है, जब ब्रज में थे सब गोपियों से अलग अलग रूप में कहते थे, देखो मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं, मतलब भोली गोपी राधे राधे, इस राधा जी भोली है, सब गोपी ऐसे भोली सब मान लेते। कृष्ण पोल कब खुला? जब रास नृत्य में सबके साथ नृत्य किया, राधा जी समझ गई, रास चढ़ के चली गई। ऐसे सोच बहुत से द्वारका में आए, स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, वही सब रानियों से ऐसे कहते थे। अब तब मैं किसको भूल दूं, ये तो मेरा पुल खुल जाएगा। तब क्या किया, नारद प्रभु दे दीजिए ना, मुझे और काम में जाना है। तब कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी हाथ में थमा दिया, जय थमाया और सत्यभामा का रूप गया, आग बबूला हो गया, पटकते पटकते चली गई। अब कृष्ण क्या करूं, उनको जैसे मनाया फिर पारिजात फूल ले, मैं इसे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अब आते हैं, एक भक्त का हॉट दिखा रहा हूं। अब नारद जी से ऐसे ही द्वारका में ये तो हो गया, बता प्रभु आप लड़की के विग्रह क्यों बन गए? जितने भी जगत में विग्रह हैं, विग्रह कुल 8 प्रकार के हैं। शैली दारुमयी लोही लेखा च सही कति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। शैली पत्थर के बने हुए हैं, दारुमयी लकड़ी के, शैली दारुमयी लोही में धातु से, और शैली दारुमयी लेखा जो पेंटिंग है लेपा मिट्टी में प्रलेप करके, और बालू से, और मनोमयी मणिमयी मन से, और अष्ट धातु या सोने से, ये 8 प्रकार के विग्रह हैं। जब ही जगन्नाथ देव ये रथ में जाते हैं, कैसे दारुमय विग्रह, प्रभु आप दारुमय क्यों बन गए, क्या हुआ? इसका फिर चिंता कर रही है, आफत क्यों आया? और नारद जानते हैं मैं जो कहूंगा भगवान मेरा बात मानेंगे। तो नारद कोई नहीं, तो अपने काम करो, चुप हो जाओ। प्रभु बताइए ना क्या हुआ? लो नारद अपने चरखा में तेल दो, मैं विस्तार मत करो। थोड़ी देर में प्रभु थोड़ा बता दीजिए ना क्या हुआ? नारद क्लीन योर ओन बैक हियर, डोंट डिस्टर्ब मी। बोले अपने आगम पीछे का आंगन साफ करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में प्रभु क्या हो गया? नारद डोंट स्टिक योर नोज इन माई डोमेस्टिक प्रॉब्लम, मेरे घर गृहस्थी की समस्या में नाक मत गलाओ। डोमेस्टिक प्रॉब्लम का अर्थ है पति पत्नी में बच्चा होना, और बच्चों से जो होता है घर में। मैं बता रहे थे ना, हाँ हाँ कितने सुंदर तुम साड़ी ला दिया, मैं प्रतिदिन नई नई पहन रही हूँ, ये ताना मार रहे हैं ना, फिर लड़ाई हो जाती है कभी, ये है डोमेस्टिक प्रॉब्लम। कृष्ण बोलना नहीं चाहते ना तो छोड़ना नहीं चाहते, नाचड़ बंद हो गया। तब कृष्ण कहा, एक स्त्री प्रकृति मुखरा द्वितीय चंचलाच पुत्र नेक भुवन विजयी मन मथो दुर्निवार शयनभ सज्ज बाहन पर नगारी स्मारं स्मारं सद्रिह चरितम दारुभूतो मुरारी। देखो मेरी एक पत्नी है, वो क्या है, प्रकृति मुखरा बहुत बुलक्कड़ है, एक बोलता हूँ वो 10 सुना देती है, उसके सामने मैं टिक नहीं पाता। आप लोग जानते हैं घर गृहस्थ, आप लोग भी अपने पत्नी को एक नहीं 10 नहीं 20 सुना देती है, मुझे अच्छे से पता है, सुनाती है ना, दो सब हंस रहे हैं, और ये लोग ही पता है। और द्वितीय चंचलाच कोई बात नहीं, एक स्त्री तो बोलती है उसे टिक नहीं पाता हूँ, दूसरे से घर बना लूंगा, तो हमारे साथ रहती नहीं, चंचला है, इधर भाग जाती है। बोले कोई बात नहीं, पत्नियां बात नहीं सुनती है, मेरा एक बेटा है उससे जीवन गुजारा कर लूंगा,
लाइक मदर लाइक सन, जैसे माँ है ऐसे बेटा निकला। आखिर माँ के गर्भ से जन्म लिया ना, माँ का कुछ गुमता रहेगा ही। बोले मैया जब बात नहीं सुनती है बेटा क्यों सुनेगा। कोई बात नहीं, मैं थक चुका हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करूँ। भगवान कहाँ पर सोते हैं? समुद्र में। बिस्तर कहाँ? ये होटल से पहले से बिस्तर डाल के आते हैं। कौन सा बिस्तर है? सांप से बना हुआ। सांप से गरुड़ का संबंध क्या है? बैर बैर भाव है। तो बताए सोने जाओ कहाँ? समुद्र में। जाओ कैसे? मेरा तो पंखा है नहीं। सोचा मुझे कौन ले जाएगा? एक सुंदर बैल था, किसने ले लिया? बैल को किसने लिया? शिव जी ने। फिर बोला आखिर में कोई नहीं था, एक चिड़िया बच्चा था। बोला अच्छा है, चिड़िया में बैठ के उड़ के ले जाएगा। अब जाओ जाके सांप का बिस्तर बना हुआ है, गुड़ का गंध मिलते तो सांप भाग जाएगा। मैं बैठ भी जाऊँ तो तुरंत डूब जाऊंगा। इसलिए घर गृहस्थी किया, याद करते करते मैं दारूमय विग्रह बन गया। इसको थोड़ा संक्षेप में एक पॉइंट बता देता हूँ। बताए एक स्त्री प्रकृति मुखरा। पहला स्त्री बहुत मुखरा है, बुलबकर है। कौन है? सरस्वती देवी। इसका तात्पर्य क्या है? सरस्वती की कृपा जिस पर होती है वो जगत में बहुत विद्वान होता है, उसका कोई हरा नहीं सकते। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे, उस समय गुरुदेव कहते थे नवद्वीप इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ होल वर्ल्ड। नवद्वीप से कोई शास्त्र पढ़ करके बाहर आए, बोला नवद्वीप से, नवद्वीप उसके बाद मिथिला, ये दो स्थान था। सबसे बड़ा है नवद्वीप। बहुत बड़े बड़े पंडित धुरंधर महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में पढ़ाना शुरू किया। साक्षात भगवान है ना, इतने इतने धुरंधर है जो एक बार उनसे सुनेंगे और कहीं जाएगा नहीं। और बड़े बड़े पंडितों को नाक में दम करके रखा था, कुछ तो उत्तर नहीं दे पाते, सब खंडन कर देते, देख के कोई छिप जाते। उस समय एक थे का नाम था केशव। ये कश्मीरी देश के होने के नाते, जैसे हमारे मधु है ना, कश्मीरी मधु, ये शहद नहीं है, मधुसूदन, ऐसे उनको लोग बोलते केशव कश्मीरी। कश्मीरी देश के होने के नाते केशव कश्मीरी बोलते थे। बहुत बड़े विद्वान है वो, जिससे शास्त्र हार जाते सब उनके चेला बनना पड़ता था। सुना नवद्वीप में सबसे बड़े बड़े पंडित हैं, आप नवद्वीप आने के लिए तैयार हो गए। ये पूरा दुनिया में छा गया नवद्वीप में, दुनिया तो नवद्वीप में वो केशव कश्मीरी आ रहा है। उन शास्त्र तो करना तो बहुत टेढ़ी खीर है। अब क्या क्या पंडितों ने एक तुरंत एक मीटिंग बना ली, बुला लिया बड़े बड़े पंडितों को, बोले देखो एक काम करना है, अब केशव कश्मीरी आ रहा है, हम क्या करेंगे? पहले निमाई से भिड़ा दूंगा, हमें दोनों हाथ में लड्डू है, और निमाई हार जाएगा। बोला अरे निमाई तुम हमको तंग करते, देखो बाल से हरा दिया, हम निमाई को दबा देंगे, कुछ नहीं बोल पाएगा। और बाई चांस निमाई जीत जाएगा तो सोने में सुहागा है। बोला अरे केशव कश्मीरी जाओ जाओ धाम से, निधन नवद्वीप से निकलो, ये तो निमाई तुम्हारा नाती के समान है, उसे तुम हर गए, हमसे क्या शास्त्र करो, जाओ जाओ मुख मत दिखाओ जाओ। ऐसे लोग बहुत अच्छा है। महाप्रभु अंतर्जामी है ना, मन ही मन हंस रहे हैं, ओहो तुम लोग मेरे धाम के आश्रय करके हो, ठीक है तुम्हारा इच्छा ही मैं पूरा करूंगा। शाम के समय था, सूर्यदेव दिनमणि अस्तमित है, उनके लाल लाल किरणें गंगा के पानी में लहर के साथ आखिलिया कर रही थी, इतनी सुंदर नजारा। निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ, छात्रों के साथ बैठ करके शास्त्र रचना कर रहे थे। जब निमाई ने मनी मन सोचा कोई चिंता नहीं, तुम लोग तो हमारे धाम में हो ना, मैं केशव को यही बुला लूंगा। अब जोगमाया क्या किया, बाकी काम कर देती है। ये जोगमाया क्या करती है, जैसे जब जगत में पहले टेलीविजन आया, पहले उंगली से चैनल बदलो, वॉल्यूम बदलो, ब्राइटनेस, रिमोट कंट्रोल आया, ऑफिस आया, रिमोट कंट्रोल सिस्टम पश्चिमी ब्रांड से नहीं आया, एक इंडियन ब्रांड से आया। पहले रिमोट कंट्रोल होल्डर कौन है? जगमाया पूर्णमासी देवी, वही मुझे देख करके सब सीखा। जोगमाया के दो रूप है, एक मूर्त प्रतीक
एक अमूर्त प्रतीक, मूर्त प्रतीक जब उनका चेहरा सामने है। कृष्ण लीला में जोगमाया पौर्णमासी के रूप में विराजमान है, महाप्रभु के लीला में, राम लीला में वो भगवान के अंदर ही है। जब सचिवा ने बोला निमाई वृंदावन मत जा, इधर जाना पुरी में, ये जोगमाया सचिवा के मुख से कहलवाई। और कौशल्या कैकेयी के सुमित्रा कैकेयी ने बताया जा राम को तुम्हारे पिताजी की इच्छा 14 साल वन में जाओ, ये जोगमाया ये कहलवाई, ये अमूर्त प्रतीक रूप में। तो जोगमाया क्या किया, इसको बुद्धि को बिगाड़ करके इसको केशव कश्मीर को सीधा महाप्रभु के पास ले आई। निमाई पंडित बैठे हैं, इतने तेज प्रकाश हो रहा है, चाहिए कोने बोले हमारे निमाई पंडित है, निमाई पंडित देखते उनको पाल्पिटेशन शुरू हो गया। कुछ डॉक्टरानी है वो लोग फाल्स फिल करके बता देंगे, तो डॉक्टरानी है इधर, और भी हो सकता है मैं जानता नहीं। उनका पाल्पिटेशन इतना बढ़ गया नाम सुनते ही, फिर अपने धाक जमाना चाहता है, आके बैठे। महाप्रभु पूछा कौन है, मैं केशव, अच्छा भी केशव कश्मीरी है, आपके तो बारे में बहुत सुना, कुछ हम लोगों को सुना दीजिए। अरे क्या सुनना चाहते हो, धाक जमाना चाहते हैं। बोले पंडित जी हम तो गंगा के किनारे बैठे हैं, क्या गंगा की महिमा सुना दीजिए, वही तो चाहते थे कुछ बोले। एक घंटे के अंदर नए नए 100 श्लोक बना करके सुना दिया। जो महाप्रभु के छात्र लोग थे सुनते, हम लोग सोचते पहले निमाई पंडित सबसे बड़ा पंडित, बाप रे बाप इतने बड़े पंडित हैं, हम चाहे और न चाहे आपकी पत्नी गिरती रहती है। हम जब वो श्लोक सुन रहे हैं आपके पत्नी नहीं गए, मुख खोल के खुला रह गया, अरे बाप रे बाप इतने बड़े पंडित हैं। महाप्रभु मन ही मन हंस रहे हैं, टाइम विल टेल, बाद में पता चलेगा। जब हो गया सब बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस, बताया पंडित जी एक श्लोक का दोष विचार के सुनाएंगे, केशव कश्मीरी रचना में कोई दोष हो ही नहीं सकता है, गुण ही गुण है, कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु बीच वाले श्लोक को निकाला, महत्तम गंगा सततम इदम अभाति, ऐसे जब सुनाया तब जो छात्र लोग थे बाप रे बाप, हम तो इतने श्लोक में से एक भी वर्ड को याद नहीं कर सके, निमाई पंडित पूरा श्लोक को श्लोक ही बता दिया। अब एक दूसरे का मुख फाड़ रहे हैं, हाँ निमाई पंडित ऐसे बोल रहे हैं, देखो तो कितने सुंदर बता दिया। अब तो उनका हार्ट बीट पाल्पिटेशन दोनों बढ़ गया, पहले पाल्पिटेशन बढ़ा था, हार्ट बीट भी जैसे इधर में होता है ना डॉक्टर जान, ऐसे उनका अप डाउन फ्लक्चुअल हो रहा है। बाप रे बाप ऐसे है, तो बता, बोले बताए ना 10 गुण गुनी सुनाई है, 5 सुना दिया। माप ने कहा मैं थोड़ा इसका 2 गुण बताया, 2 नहीं है तो गुरुदेव कहते किसी को आप उनको जीतना चाहते हो पहले उनका थोड़ा गुणगान वर्णन करो, जैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ब्राह्मण वैष्णव सभा में जाकर के पहले ब्राह्मण का गुणगान किया, इतने सुंदर सुंदर गुणगान किया, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानते, शास्त्र में इतना सुंदर वर्णन है, उसके बाद काटना शुरू किया। ऐसे महाप्रभु क्या पहले 5 गुण बता दिया, इतने सुंदर गुण छिपा हुआ था, फिर बताया इसका कुछ दोष भी है। सबसे बड़ा दोष है आपने बताया भवानी भर्तु, जैसे नारायण की पत्नी नारायणी, भव अर्थात शिव के पत्नी भवानी या शिवानी, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी, आपने बताया भवानी भर्तु। पहले पहले इस समय तो जमाना बदल गया है, पहले था सती नारी पति तरे सब सहे अकातरे, सती नारी पति के लिए सब सहन करते, सती किसे कहते हैं, अपने विवाहित पति के सिवाय और किसी पुरुष के साथ किसी प्रकार का एफ आई आर न हो उसको सती कहा जाएगा।
तो आपने बताया भवानी भर्तु, भवानी का तात्पर्य हुआ शिव की पत्नी, आप फिर उनका भरतार कह रहे हैं, तो शिव की पत्नी को शिव को छोड़ करके ऐसी पुरुष के साथ उनका संबंध है, ये कैसे आपने बोल दिया? ये तो बिल्कुल आपने गलत कहा। जब ऐसे कह दिया बच्चे लोग कितने हंसे, कितने ताली बजाए, जोर से ताली बजाने लगे। अरे आप लोग वहां पर पक्ष ताली तो बजाओ कम से कम। तब हुआ क्या? अब जब ताली बजाने लगे, हंसने लगे, देखो मानी व्यक्ति नाम अपमान मृत्यु तुल्य, मानी व्यक्ति को अपमान उन्नत के समान थोड़ी मानने वाले हैं। तो पंडित जी आप बहुत दूर से आए, थके हुए हैं, जाके विश्राम कीजिए और आलोचना कल करेंगे, बता दिया। अब ये संवाद पूरा नवद्वीप में जैसे जंगल में आग लग गया हो। पंडित लोग कितने खुश है, अपने गले गले आपस में मिल रहे, लड्डू बांट रहे। निमाई ने ऐसे कर ऐसे अरे और निमाई है कितना भी तंग करे कोई चिंता नहीं, हम तो इससे हार जाते। देखो तो निमाई बातों बात में हरा दिया बहुत। रात के समय स्नान किया, देवी का मंत्र जप किया, बोले देवी आपने मुझे विश्व विजय होने का वरदान दिया, एक छोटा बच्चा से हरा दिया, कोई बड़े पंडित हराता मुझे दुख नहीं होता, मैं तो और जीवन आत्महत्या कर लूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा आत्महत्या करूंगा। सरस्वती सामने प्रकट हुई, ए पंडित केशव कश्मीरी दुखी मत होना, ले मैया आपने मुझे वरदान दिया था, वरदान तो दिया था विश्व विजय होने के लिए, मेरे पति के ऊपर विजय प्राप्त तो करेगी, ये तो वरदान नहीं दिया था। मैया वो आपके पति है? मैंने हाँ साक्षात कृष्ण है, तुम क्या मेरे पति को भी हरा देगा? मैं ये सहन कर लूंगी। देखो मंगल चाहते हो, कल सुबह से जाकर के चरणाश्रय करो तब तुम्हारा कल्याण है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले आ गए, आके दरिया खंड में जब खुला पैर पकड़ लिया, अरे अरे पंडित क्या कर रहे हो? प्रभु मुझे नहीं ठकिएगा, मैं जान लिया आप कौन है। अब साक्षात कृष्ण ने ये देवी मैया बता दिया सरस्वती ने। महाप्रभु बोले देखो सही से विद्यार फल जानी है निश्चय, जो कृष्ण पाद पद में चित्त वृत्ति है, दिग्विजय करीब विद्यार फल नहीं, दिग्विजय करे विद्या का फल नहीं है, कृष्ण चरण में चित्त वृत्ति हो तभी विद्या का फल है। बहुत उपदेश दिया, देखो मैं जब तक इस जगत में लीला करूंगा किसी को नहीं बताना, तो मार दूंगा। ये बात महाप्रभु केशव कश्मीर से कहा था और तैथिक विप्र से, वो बीच बीच में वेश बदल करके महा दर्शन के लिए आता था। देखिए जब बताया इससे पहले छोड़ दिया, महापुरुष से पूछा तुम ये श्लोक कैसे याद कर लिया? मैं तो तूफान के भांति बता के गया सब पूरा नए नए श्लोक। तब बताया यदि सरस्वती की कृपा से कोई धनुर्धर धुरंधर पंडित हो सकता है कि श्रुतिधर भी हो सकता है ना। श्रुतिधर का तात्पर्य एक बार सुनेंगे या पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। इस बारे में एक छोटा सा मैं गुरु महाराज की कहानी बताता हूँ। श्री बामन गोस्वामी महाराज 9 साल उम्र में प्रभुपाद के पास आ गए थे, छोटे होने के नाते उनको स्कूल में एडमिशन करा दिया, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट मायापुर में। पहले पहले हेड टीचर लोग इंग्लिश पढ़ाते थे, हाथ में छड़ी रहता था, हमारे समय ऐसे हुआ। नए हेड टीचर आए, क्लास में आए, लोग खड़े हैं बच्चे लोग, बोले बैठो। फर्स्ट बॉय कौन है? माने गुरु ने हाथ उठाया, टेक्स्ट पढ़ो। टेक्स्ट का अर्थ होता है अंग्रेजी गद्य बुक। गुरु महाराज जी स्वभाव से लजालू है, वो बुक नहीं उठाया, थोड़ा सा ऊंचा करके, तुम्हें टेक्स्ट पढ़ने के लिए कह रहा हूं। उत्तर नहीं दिया। तीसरे बार में तुम गुंगा हो कि बहरा हो? तो दो साइड से दो बच्चे हाथ उठाया, क्या बात है? उनको डांटा, बोले सर उनको टेक्स्ट बुक जरूरत, क्या टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं, मैं इनको पोएट्री के लिए नहीं कहा। बोला हाँ सर टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं है। फिर पूछा यह बात सच है? गुरु ने बताया डाउट रूल इट आउट, आपका कुछ संदेह हो संदेह निराकरण कर लीजिए, ये इंग्लिश के प्रोज हो पोएट्री हो पोएम हो, आप हिस्ट्री हो बंगाली हो जियोग्राफी हो मैथमेटिक्स सब पूछ लीजिए, केवल डेट बताइए मैं बता देता हूँ। बोले ऐसे भी होता है? जो महाप्रभु के नित्य परिकर है उनके यदि ऐसे हैं
तो महाप्रभु साक्षात भगवान शास्त्र जनित्वात शास्त्र उनसे निकले हैं उनके चरण कमल से, क्यों नहीं होगा। एक बार हमारे गुरु भाई, उनका नाम भी जनार्दन महाराज है, नाम गोपीकांत था, गुरुदेव मैंने सुना कि आप एक बार पढ़ते हैं, कहते कोई भूलते नहीं, कितने श्लोक जानते हैं। तो गुरु बोले हराम ज्यादा, कितने श्लोक जानता हो, देखिए लाइब्रेरी देखिए जरा किताब, केवल तू किताब का नाम बोलते जा, पन्ना पढ़ता है बोलता जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब तक ये लाइब्रेरी पूरा ना हो, न मैं खाऊंगा न पीऊंगा न सोऊंगा न बातूं जाऊंगा, तू भी नहीं खा सकता है न पी सकता है न बातूं जाता न सो सकता है। गुरु क्षमा करे मैं नहीं कर सकता। देखिए जब महाप्रभु के परिकर में ऐसे तो महाप्रभु कैसे होगा, ये तो एक। और दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, देखिए मैं समाप्त कर दूंगा। इस समय जैसे पहले था स्वयंवर सभा, स्वयंवर सभा क्या होता है, लड़की अपने पर चुनाव करती थी, सीताजी के लिए जनक महाराज रखा, द्रौपदी को पिताजी ने रखा, ऐसे था। इस समय भी ये ग्रूम चूजिंग सेरेमनी स्वयंवर सभा चल रही है, प्रतिदिन चल रही है, ये दूसरे रूप में कैसे, ये फेसबुक के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम से माध्यम से, फोन से, स्मार्टफोन से। हम प्रचार में जाते हैं उड़ीसा में, बंगाल में कोई लोग बोले महाराज जी क्या कहें, हम सोचते हैं हमारी बेटा बेटी पढ़ रही है, रात को देखो 2 बजे फोन, कैसे हो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, क्या करो। बोले महाराज देखो ये स्थिति है, ये ग्रूम चूजिंग स्वयंवर सभा चला रही है, रात को जग जग करके फोन के माध्यम से। ऐसे एक विदुषी महिला थी, उनकी प्रतिज्ञा थी अपने पिताजी से, जो कोई भी मुझे शास्त्र अर्थ में हरा देगा उसी को पति के रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, लेकिन एक कंडीशन, एक ही बार मैं शास्त्र अर्थ करूंगी, एक से बाद दूसरे बार नहीं करूंगी। ऐसे कितने लोग आए हार गए, एक दिन 5-6 पंडित हार के वापिस जा रहे थे, मन में बहुत ठेस था, हो इसे मूर्ख से शादी करना है तब हमारा कलेजा ठंडा होगा। जा रहे थे, रास्ता देखा एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके डालियां काट रहे हैं, जैसे पेड़ है ये इस पर बैठे इधर काट रहे हैं, जब ये डाल काट जाए क्या होगा, खुद गिरेगा, इतना भी उनको नॉलेज नहीं है। बोले ये बहुत बड़ा मूर्ख है, उनको नीचे उतारा। जैसे रास्ते में ये गाड़ियां चलती हैं, एक कपड़ा गिर जाए उसमें पेट्रोल डीजल मोबाइल गिर गिर करके ऐसा काला हो जाता है, चटचटा हो जाता है, गंदा होता है, ऐसे कभी स्नान तो किया नहीं, शरीर में से कितना बदबू आ रहा है, और कपड़ा भी ऐसे मचले मचला कुचेले। शादी करेगा, शादी इतने तो शादी का ऑफर दिया नहीं, किस बोले राजकुमारी से, राजकुमारी से कैसे, बोले बहुत सुंदरी है, मच मोर ब्यूटीफुल देन मिस यूनिवर्स, व्हाट टू से अबाउट मिस इंडिया, बोले इतनी सुंदरी विश्व सुंदरी है, मिस इंडिया से बहुत सुंदरी है। बोले मुझे क्यों शादी करेगा, बोले कर लेगा कोई चिंता नहीं, हम व्यवस्था कर देंगे। एक बात है तुम्हें जो कहोगे तुम, बोले हाँ हाँ कोई चिंता नहीं। बोले फिर प्रतिदिन लकड़ी काटना पड़ेगा, अरे लकड़ी क्या, इतने पैसा है, तुम पैर के ऊपर पैर रख करके खाओगे। अच्छा, उनके अच्छे साबुन से नहला दिया, पूरा बॉडी स्प्रे करा दिया, और अच्छे से कपड़ा पहना दिया, मोटा तिलक कर दिया, बहुत बड़ा पगड़ी बना दिया। बोले देखो तुम्हें एक लड़की से शास्त्रार्थ करना है, तुम बिल्कुल बात नहीं करना है, इस से उत्तर देना, बाकी काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लिया, आप गए राजकुमार के, अरे तुम लोग क्यों आ गए, क्यों आ गए हो, मैं देख से अधिक जासात नहीं करता। बोले नहीं, हम लोग शास्त्रार्थ के लिए नहीं आए, हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी को ले आए, लेकिन गुरु जी का ये मौन व्रत है, वो इशारा से शास्त्रार्थ करेंगे, ठीक है, हम लोग हार गए ना इसलिए गुरु जी के साथ है, गुरु जी ले आए, ठीक है। सभा लगी, एक तरफ ये लड़की है जैसे इधर लड़कियां बैठी है, और एक तरफ वो कालिदास, उसके साथ 5-6 पंडित। अब शास्त्र शुरू हो, पंडित लोग पूछ रहे हैं, आप पहले प्रश्न पूछेंगी, हमारे गुरु जी बल नहीं, मैं ही पूछूंगी पहले, ठीक है। एक अंगुली उठाया लड़की ने, ऐसे उठाया, ऐसे कर लिया, कालिदास का गुस्सा, वो लोग बता दिया बात मत करो, तो कालिदास बिगड़ करके
ऐसे दिखा रही है तो बंदी तो ताली बजा रहे हैं, गुरु जी जीत गए, गुरु जी जीत गए। तो लड़की पूछी कैसे? बोले आपने एक अंगुली उठाया, ये कहना चाहती है ईश्वर एकम एव अद्वितीयम, गॉड इज वन विदाउट सेकंड, भगवान एक है अद्वितीय, जिसका द्वितीय कोई है नहीं, सब बराबर के कोई है नहीं। हमारे गुरुदेव कहना चाहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी एक व्यक्ति हो प्रेम लाभ नहीं कर सकते, कृष्ण एक थे इसलिए प्रेम लाभ नहीं, इसीलिए कहा एक अहम बहुसम, मैं एक रह के बहुत होना चाहता था प्रेम आसादन करने के लिए। प्रेम के लिए शक्ति शक्तिमान दो चाहिए, ये गुरु जी बताने के लिए दो दिखाई, शक्ति एक शक्तिमान तभी प्रेम होगा। फिर ऐसे टखा गया ताली बजा दिया, लड़की हार स्वीकार कर लिया, फिर माला बदल हो गया, अब धूमधाम से शादी सब हो गया। अब पंडित लोग बहुत खुश है, अब बता हमारा जीवन सार्थक है। बोले देखो कालिदास हम लोग अब चलते हैं, अपनी पत्नी से अब तुम घर गृहस्थी बैसाओ, ठीक है। हुआ क्या, वो बहुत बड़ा कमरा था, सब बात कर रहे थे तो पंडित लोग को वो लड़की बहुत कुछ सामान दे दे जा रहे हैं। अब हनीमून का फर्स्ट डे, जिसको फुल सज्जा की रात्रि बोलती है बंगालियां, फुल सज्जा का रात, अब हनीमून जो अंग्रेजी भाषा में लोग बोलते हैं, अब सब पहले मिलन की रात। अब कालिदास के पत्नी, वो कालिदास की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी पतिदेव कब आएंगे, पतिदेव कब आएंगे। अब उन लोग को विदा करके कालिदास आए घर में, कमरे में दिखा रही, ये तो आधा घंटा पहले एक ही कमरा था, ये कमरा के अंदर कमरा कहाँ से बना लिया, ये कहाँ से इंजीनियर ले आई। विजय प्रभु हरे कृष्णा, सुना हमारा आज के ना ताड़ाताड़ी एखान के एक समय हमारा एखान के बेड़े जेते चाहिए, यदि 11:30 समय यदि भोग लगे जाए ना, है ना, साढ़े भोग लगे जाए 12 समय प्रसाद पहले तभी तो एक समय जेते पारबे। আমাদের বোধহয় মহারাজ মঠে ওরাও আমাদের সঙ্গে একটা সময় যাবে, আর একসঙ্গে আমরা দুজন দু পার্টি একসঙ্গে যাব। হ্যাঁ, এই জন্য বেশি আইটেম না করে সাধারণ ভালো ভালো আইটেম করো, ভালো ভালো আইটেম। হ্যাঁ, সাধারণ আর ভালো ভালো দেখা, তোমরা চেষ্টা করো হতে পারে, তোমাদের চরণে প্রার্থনা। তো কালিদাস মানে কহা সে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার লে আই, आधा घंटे में इधर मकान बना दिया, ऐसे आर्किटेक्चर में व्यवस्था कर दी, इधर ही सब कुछ बन जाता जो फनी ने तोड़ दिया। तो उसे कमरे के अंदर कमरा क्या, मच्छरदानी लगा के सो रही थी, ये कालिदास मच्छरदानी कभी देखा ही नहीं, मैंने मसारी कभी देखे ही नहीं। तो क्या किया, उसमें बिजली तो होती नहीं थी, एक घी का दीपक जल रहा था, बेड था पलंग के पास में, बहुत बड़ा ऊंचा टेबल था, उसके ऊपर दिया जल रही थी, वो चक्कर लगा, दो चार बार चक्कर लगा, कहा दरवाजा भी नहीं खिड़की भी नहीं, क्या करूं। तो क्या किया, देखिए ऊपर का दरवाजा रखा है, अंदर घुसू कैसे, तो टेबल के ऊपर चढ़ा, चढ़ करके जंप किया, जंप करके क्या हुआ, मच्छरदानी रस्सी टूट गया, उसके ऊपर गिर पड़े हो। तब क्या हुआ, जब गिर पड़ी, वो गिर पड़े होता नहीं, एकदम क्या कर रहे हो, बता क्या करूं, तुम आधा घंटा के अंदर कमरा के अंदर कमरा बना दिया, इस पर भी एक वेंटिलेटर भी नहीं रखा, एक खिड़की भी नहीं, दरवाजा भी नहीं, मैं तुमको हेलो ओपन द डोर प्लीज, मैं कैसे कहूं, दरवाजा खोलो, अभी तो कोई छोड़ा नहीं, इसलिए मैं ऊपर से सोचा ऊपर में दरवाजा होगा, इसलिए मैं चढ़ के जम किया। वो सोचा मजाक कर रहे, फुल सज्जा का रात है, हनीमून का पहला नाइट है, सोचा मजाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं, अब दोनों एक साथ लेटे थे। इतने में एक ऊंट शब्द किया, उस समय संस्कृत का अधिक बलबला था, वो लड़की पूछ रही है, उनका थोड़ा डाउट था, ये सचमुच मूर्ख या जानबूझ कर किया, क्या कारण है बताइए, किस पशु ने शब्द किया, बोला उठ रो उठ रो, संस्कृत में उठ को बोलते उष्ट्र, ये उष्ट्र उच्चारण नहीं कर सका, बता उठ रो, बोला पुलिस द ग्रेट गेट आउट फ्रॉम माय रॉयल पैलेस, मूर्ख कहीं का जाओ राज में निकल जाओ।
दुख का उनका मन में बहुत दुख लगा। वो क्या किया, कमरे से निकल के आए, बोले मैं आत्महत्या कर, पास में नदी था, नदी के पानी में इतना उतरा, देवी सरस्वती प्रकट हुई, कालिदास तुम्हें मरने का जरूरत नहीं है, तुम वापिस जाओ, मेरी कृपा से तुम बहुत बड़ा पंडित होगा, जब तक सूर्य चंद्र रहेगा जगत में तुम्हारा जो कामता होगा पूरा दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, कहीं भी संस्कृत विश्व कहीं भी विश्व संस्कृत पाठ्य हो कालिदास का ये जरूर रहेगा। आए निकल के, गीला कपड़ा, पानी चूचू आ रहा है, आके दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खोली बताया अस्ति कश्चित बाघ विशेष, तुमसे कुछ बात करनी है, बतागा तुम अस्ति कश्चित बाघ विशेष, तीन शब्दों से तीन महाकाव्य बनाओगे तब तुम्हें मैं पुत्र के रूप में अंगीकार करूंगी। लिख दिया, फिर मिलन हुआ। देखिए एक महापुरुष उदाहरण दिया, सरस्वती का बड़ पुत्र होने के नाते केशव का कितने बड़े पंडित थे, ऐसे ही ये सरस्वती की कृपा से ये कालिदास कितने बड़े पंडित बन गए। कृष्ण कहना चाहते एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, जिसे महाराज बोल रहे थे अरे तुम कितने बड़े उदार हो, कितने सुंदर साड़ी लाके दिए हो और कितने अलंकार लाके दिए हो, ऐसे जो कृष्ण कह रहे हैं एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, सरस्वती के ऊपर जिसकी कृपा होगी बहुत बड़े विद्वान जगत में कोई हरा नहीं सकते। इसके बाद दूसरी पत्नी और बच्चे का बात फिर हम लोग फिर काल आलोचना करें, यहीं तक रहे।